सोशल मीडिया पर दिखने वाली सबसे खूबसूरत जगहों की ऐसी सच्चाई जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हाओयांग लेक चाइना। इस झील को वीडियो में देखने पर ये काफी हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब इस झील के पानी पर से काई हट जाती है तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर जापान की बुलेट ट्रेन। वीडियो में भले ही आपको 300 की रफ्तार से दौड़ती हुई और काफी हाईटेक नजर आती है, लेकिन असल में इसमें इतने लोग सफर करते हैं जिनको ठूस ठूस कर इसमें भरना पड़ता है। तीसरा है ग्लास ब्रिज चाइना। आपको लगता होगा कि लोग इस पर चलकर आसमान में उड़ने का मजा लेते होंगे, लेकिन असल में इस पर इतने डर जाते हैं कि उन्हें खींच खींच कर ले जाना पड़ता है। वहीं मालदीप में समुद्र में ऐसे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, लेकिन कई बार यहाँ समुद्र के किनारे इतनी तेज हवा चलती है कि इंसान को भी उड़ा ले जाती है। तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो वीडियो देखा उस टाइप का शॉर्ट्स अपलोड करके ये चैनल मंथली यहाँ पर $1,03,000 से भाई $1,000,000 तक का अर्निंग करता है। अगर भाई हम इसको मिनिमम माने ना $5,000 भाई यहाँ पर तो फेक बताया था। कुछ भी व्यूज की बात करें तो यहाँ पर आप देखो लास्ट 30 डेज में इस बंदे के चैनल पर यहाँ पर 400 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहा है भाई। इस हिसाब से $5,000 कुछ भी यहाँ पर ज्यादा नहीं है अमाउंट। यहाँ पर देखो $5,000 इंडियन करेंसी में लगभग ₹4,00,000 के आसपास होता है भाई। ये चैनल मंथली यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करके जो आपने स्टार्टिंग में देखा ₹4,00,000 की अर्निंग करता है। अब वो कौन से चैनल जो इस टाइप का कंटेंट अपलोड करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए उस चैनल का जो नाम है वो है SP राजपूत शॉर्ट्स। यहाँ पर आप देखिए इस चैनल पर यहाँ पर 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अगर बात करें इसके शॉर्ट्स के व्यूज की तो यहाँ पर देखो भाई कितना ज्यादा व्यूज आया है 1.8 लाख, 20 लाख, 6.4 लाख, 8.4 लाख, 8.4 लाख भाई। इस तरीके से किसी वीडियो पर भाई देख रहे हो 5 लाख से तो ज्यादा नीचे व्यूज ही नहीं। यहाँ पर आप देखो पॉपुलर पर जाता हूँ 8.4 करोड़, 8.1 करोड़, 7.6 करोड़, 7.5 करोड़, 6.9 करोड़, भाई देख रहे हो करोड़ों में व्यूज है, मिलियंस की तो आप बात ही छोड़ दो। और भाई अगर आप में कुछ लोगों को यहाँ पर विश्वास ना हो इस टाइप के शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे या फिर नहीं, देखो मैं आपको लाइव प्रूफ बताता हूँ। यहाँ पर देखो इस चैनल का जो लिंक है मैं यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर पर एंड आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पर जिसका नाम है यहाँ पर यूट्यूब मोनेटाइजेशन चेकर। यहाँ पर मैं सिंपल से उस जो चैनल है उसका लिंक पेस्ट किया एंड चेक मोनेटाइज पर क्लिक किया एंड आप देखो ये वेबसाइट सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर बता देगी यहाँ पर ये चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो इसने बता दिया यहाँ पर चैनल SP राजपूत शॉर्ट्स इज प्रोबेबली मोनेटाइज, यानी कि यह चैनल 100% मोनेटाइज है। एंड भाई अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस टाइप का कॉन्टेंट बनाना है। उससे पहले अगर आप में कुछ लोग है ना भाई जो कहेंगे कि भाई तू ऐसा कॉन्टेंट क्यों ट्राई नहीं कर लेता जब आपको ये सब नॉलेज है, तो भाई ऑलरेडी 3 चैनल है मेरे यहाँ पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, उनसे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है भाई, इससे ज्यादा चैनल मैं कैसे जनरेट करूंगा। लेकिन आपको मैं विश्वास देता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से मेरी ट्रिक्स को अप्लाई किया तो ये सिल्वर प्ले बटन है ना ये आप 1 महीने में अपने घर पर बुलवा सकते हो, क्योंकि भाई इस टाइप के शॉर्ट्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं। देख रहे हो भाई उनके शॉर्ट्स पर 5 लाख से कम तो किसी वीडियो पर व्यूज ही नहीं है, तो भाई आप इस टाइप के शॉर्ट्स बड़ी आसानी से बना सकते हो और इस सिल्वर प्ले बटन को कुछ ही दिनों में हासिल कर सकते हो। अब कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको इनके तरह का कॉन्टेंट कैसे लाना है, तो देखिए ये तो काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं एंड देखिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो मैं आपको रिसर्च भी बताऊंगा एंड दूसरा एक सरल तरीका बताऊंगा जिस पर आपको सिर्फ यहाँ पर सर्च करना है एंड डायरेक्टली आपको कंटेंट मिल जाएगा, सब कुछ स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, आपको क्या वीडियो बनाना है सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में आपने इनका शॉर्ट देखा नॉलेज वाला शॉर्ट्स होता है, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर एक चैनल का नाम मैं सर्च करता हूँ। देखिए राइट ऑफ सिक्स है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ राइट ऑफ शिक्षा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया राइट ऑफ शिक्षा तो अब आप यहाँ पर देखिएगा भाई एक चैनल आएगा आपके सामने 1.44 करोड़ सब्सक्राइबर से एंड इस चैनल पर भाई सारे वो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जो कि यहाँ पर जो चैनल था SP राजपूत शॉर्ट्स वो अपलोड करता है। देखिए यहाँ पर देखिए पानी वाले पाइप ये उसी टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे शॉर्ट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अगर मैं आपको इनका एक शॉर्ट्स प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए सोशल मीडिया पर दिखने वाली सबसे खूबसूरत जगहों की ऐसी सच्चाई जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हाओयांग लेक चाइना। इस झील को वीडियो में देखने पर ये काफी हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब इस झील के पानी पर से काई हट जाती है तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर जापान की बुलेट ट्रेन। वीडियो में भले ही आपको 300 की रफ्तार से दौड़ती हुई और काफी हाईटेक नजर आती है, लेकिन असल में इसमें इतने लोग सफर करते हैं जिनको ठूस ठूस कर इसमें भरना पड़ता है। तीसरा है ग्लास ब्रिज चाइना। आपको लगता होगा कि लोग इस पर चलकर आसमान में उड़ने का मजा लेते होंगे, लेकिन असल में इस पर इतने डर जाते हैं कि उन्हें खींच खींच कर ले जाना पड़ता है। वहीं मालदीप में समुद्र में ऐसे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, लेकिन कई बार यहाँ समुद्र के किनारे इतनी तेज हवा चलती है कि इंसान को भी उड़ा ले जाती है। आपके शॉर्ट्स भाई कितना ज्यादा आसान है बनाना, सिंपल से पूरी तरह से कॉपी कर लो, अपनी आवाज देकर भाई अपलोड कर सकते हो। एंड दूसरा क्या तरीका है इसके लिए आप गूगल पर जा सकते हो। देखिए मैं क्रोम पर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर गूगल पर यहाँ पर सर्च करूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा
तो मान लीजिए मुझे दुबई के बारे में कोई यहाँ पर फैक्ट बताना है तो मैं यहाँ पर सिंपल गूगल पर सर्च करूंगा दुबई न्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दुबई में अभी काफी ज्यादा बारिश हुई है, ये टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मुझे एक टॉपिक ये मिल गया। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, जो आपके मन में आए गूगल पर सर्च करो, आपको टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट के अंदर जाते हो वहां पर आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा। भाई अब देखिए आपके पास कॉन्टेंट आ गया, लेकिन आपको चाहिए AI वॉइस। अगर आप फैक्ट वीडियो यहाँ पर खुद का आवाज का बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन AI वॉइस आप यूज करना चाहते हो तो देखिए उससे पहले आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करनी होगी। यहाँ पर आप देखो इस तरह की स्क्रिप्ट आप रेडी कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया है किसी भी कैटेगरी का शॉर्ट्स हो आप बड़ी आसानी से उसकी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो। तो कैसे करना है वो तो आप उस वीडियो में देख लेना। अब देखिए AI वॉइस आप कैसे जनरेट करोगे, तो आपको क्रोम पर आना है एंड सिंपल से एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जिसका नाम है 11 Labs। इस वेबसाइट पर आते ही आपका जो स्क्रिप्ट है आपने उस स्टोरी को देखा, उस फैक्ट को समझा एंड जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर कैरेक्टर सिलेक्ट करके जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको क्या करना है भाई, आपका जो चैनल है वो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। AI वॉइस आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, 100% मोनेटाइज होता है। यहाँ पर देखिए जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा AI वॉइस जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस बताया है एंड मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो देखिए अब आपके पास आ गया AI वॉइस कॉन्टेंट आ गया, तो अब आपको किस चीज की कमी है, एक बढ़िया एडिटिंग एप्लीकेशन की। उसमें आपको ना ही वाटरमार्क आना चाहिए, ना ही कोई पैसा लगना चाहिए और नेक्स्ट लेवल की कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए भाई, काफी सारे फीचर्स मिलने चाहिए। तो भाई ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन में, उसमें आपको भाई काफी सारे फीचर्स मिलेंगे और आप वीडियो को पोर्शन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो ये एक नॉर्मल वीडियो और इस वीडियो को मैंने पोर्शन चेंज करके इस तरह का बना। इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, उससे आप अपने वीडियो को नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए बेटा मिस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखना एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए फटाक से चलते अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन। सो गाइस काइनमास्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, आप वीडियो क्लिप्स कहां से लाओगे, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो में बोल रहे हो वैसा क्लिप आप कहां से लाओगे, तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, यूट्यूब पर जाना है। एंड देखिए मेरा टॉपिक है बुर्ज खलीफा, दुबई में यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की वजह से रेन हुई है, उसका यहाँ पर न्यूज देना है। तो सबसे पहले दुबई में प्रसिद्ध चीज क्या है, बुर्ज खलीफा, ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप वीडियोस ले सकते हो एंड इसके बाद क्लाउड सीडिंग वाला वीडियोस ले सकते हो। मैं कहीं से भी यहाँ पर देखे काफी सारे क्लाउड सीडिंग के वीडियोस मिल जाएंगे दुबई के। अब वीडियोस को कैसे लेना है तो भाई मैं नहीं कहूँगा, मैं तो बस टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कुछ नहीं कहना चाहता। अब डायरेक्ट मैं अपने काइनमास्टर को ओपन करता हूँ एंड बताता हूँ आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल कैसे आपको यहाँ पर एडिटिंग करनी है ऐसी वीडियोस की, SP राजू शॉर्ट जैसी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पुराने यहाँ पर वो बैकग्राउंड है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करता हूँ। अब देखिए इस तरह के इंटर पर शो होगा, आप काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको प्लस पर जाना है एंड यहाँ पर आपको रेशो सेलेक्ट करना है 9:16 का। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेशो मिलते हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको वीडियो क्लिप सेट करनी होंगी जो आप यहाँ पर बात करने वाले हो यहाँ पर अपने वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मैं ये दो क्लिप सेट कर लेता हूँ, एक इसको एंड एक इसको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो स्लाइड करके आना है एंड यहाँ पर आपको देखना है ये जो वीडियो क्लिप्स है इनमें कोई साउंड तो नहीं है, साउंड है तो यहाँ पर ऑडियो पर जाना है एंड इनको म्यूट कर देना है एंड सेकंड वाले वीडियो पर मैं जाता हूँ ऑडियो पर एंड इनको म्यूट कर दूंगा। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखे जूम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर एंड सेकंड वीडियो को भी जूम करेंगे यहाँ पर, देखिए काफ़ी ज़्यादा जूम करेंगे सेकंड वीडियो को एंड यहाँ पर देखिए दुबई में जो क्लाउड सीडिंग हुई है यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट को लेते हैं तो कैची पर जाते हैं एंड देखिए जो पहला ऑप्शन है उससे इस साइड का वीडियो कट होगा यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन से इस साइड का वीडियो कट होगा, थर्ड ऑप्शन से इस साइड का बीच में दो भागों में वीडियो बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन से मैं यहाँ पर कट करता हूँ एंड यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पर वीडियो यहाँ पर देख सकते हो आ गया है। अब इसके बाद स्प्लिट पर जाना है एंड इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, भाई बहुत बड़ा वीडियो ये वाला हमारा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम आते हैं आगे एंड यहाँ पर आप देखिए ये रहा एक क्लिप, यहाँ से इसको कट करते हैं एंड यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये रहा कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर क्लिप्स को ले लेंगे ये रहा, ये देखिए भाई यहाँ पर ये क्लिप्स हैं यहाँ पर और ये वाली क्लिप्स को ले लेंगे आगे, हम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर और आगे की जो भी क्लिप्स हमारी यहाँ पर देखिए इस क्लिप को ले लेते हैं। अब देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इस वीडियो को आपको कलर ग्रेडिंग करना है। कलर ग्रेडिंग कैसे करोगे, आपको देखिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट का, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन बढ़ाना है
एंड इसके बाद आपको जो है टेम्परेचर को कम करके हाईलाइट को बढ़ा देना है एंड इसको अप्लाई टू ऑल कर देना है। इसके बाद आपको फिर से दोबारा क्लिक करना है वीडियो पर एंड कलर फिल्टर पर जाना है। यहाँ से आपको एक फिल्टर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ पर बैक आ जाना है एंड सेकंड वीडियो पर भी आपको जाना है फिल्टर पर एंड फर्स्ट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ये कोल्ड का फर्स्ट वाला। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सारे वीडियो से अलग अलग क्लिप्स के उनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिल्टर सेलेक्ट कर लेते। यहाँ पर देखिए उस वीडियो का भी यहाँ पर मैं फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। अब इसको आपको वीडियो को पोर्शन चेंज कैसे करना है जिससे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनके यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पर जो क्लिप्स है उनमें कर दिया कलर फिल्टर एंड अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको जो सबसे पहले क्लिक करना है एंड एक ऑप्शन मिलता है आपको रोटेट एंड मिररिंग का। यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो पूरा भाई पोर्शन ही चेंज हो जाता है वीडियो का। इसी तरीके से भाई मैं सारी वीडियोस में ये कर लेता हूँ। देखिए वीडियो पर क्लिक किया, रोटेट एंड मिररिंग एंड इसको इनेबल कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर करते हैं रोटेट एंड मिररिंग एंड यहाँ पर कर दिया। अब आगे यहाँ पर फिर से रोटेट एंड मिररिंग एंड यहाँ पर एंड फिर से रोटेट एंड मिररिंग पर जाते हैं एंड यहाँ पर ये देखिए। अब लास्ट वाली वीडियो में भी कर देते हैं इस इफेक्ट को अप्लाई। अब सबसे पहले हमारे जो वीडियो यहाँ पर छोटे हैं उनको बड़ा करना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कोई से जो क्लिप यहाँ पर वो छोटा दिख रहा हो, यहाँ पर देखिए अगर उसको एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। तो देखिए अब आपको डायरेक्टली वॉइस सेट करना है। वॉइस सेट करने के लिए देखिए पहले तो आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके अपना खुद का वॉइस भी दे सकते हो। तो देखिए मुझे अभी वॉइस नहीं देना, मैं AI वॉइस यूज़ करूँगा। आपको जाना है ऑडियो पर एंड इसके बाद आपको एल्बम पर जाकर डाउनलोड पर जाना है जहाँ से आपने 11 लैब्स का जो वॉइस है वो डाउनलोड किया था। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले आपको इसको जूम करना है एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो काफ़ी सारे कट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आना है आगे एंड सबसे पहले तो आपको वॉइस में इफेक्ट डालने के लिए रिवर्ब पर क्लिक करके स्क्रॉल करना है एंड स्टूडियो सेलेक्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करके जो खाली गैप है यहाँ पर आकर स्क्रॉल करना है एंड ट्रिम का एक ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है एंड स्प्लिट पर जाना है। अब कुछ इस तरीके से इसको स्लाइड कर देना है। यहाँ पर क्या होगा पहला ऑडियो जहाँ बंद होगा दूसरा ऑडियो वहाँ शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो वीडियो लगातार चलता रहेगा और YouTube आपके वीडियो में मोनेटाइज में कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि भाई AI वो इस रुक रुक के बोलता है और हम उसको वीडियो में बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। अब देखिए यहाँ पर गैप है तो यहाँ पर इसको स्प्लिट करके यहाँ पर स्लाइड करते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पर गैप है इसको यहाँ पर हम करेंगे स्प्लिट एंड इसके बाद हम इसको स्लाइड कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम इसको करेंगे स्प्लिट एंड देखिए इसके बाद हम इसको स्लाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आगे जाते ये रहा एक और गैप तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे ट्रिम पर जाएंगे स्प्लिट पर जाएंगे एंड लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड कर देंगे एंड आगे कहाँ ये रहा एक गैप तो इस पर क्लिक करके ट्रिम पर जाते हैं स्प्लिट पर जाते हैं एंड इसको इस तरीके से स्लाइड कर देंगे एंड ये रहा एक गैप तो ट्रिम पर जाते हैं एंड सेम प्रोसेस वही कर देता हूं। तो देखिए मैं आपको बिना प्रोसेस के यहां पर कुछ भी नहीं बता रहा हूं, यहां पर सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। मैं चाहता तो ये प्रोसेस स्किप भी कर देता लेकिन भाई इसमें आपको क्या होता है कॉपीराइट के चांस कम हो जाता है और पहली बात आपके चैनल मोनेटाइज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको इसको ट्रिम कर देना है एंड यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है यहाँ पर आगे। अब आपको आना फिर से आगे एंड यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रिम पर जाकर स्प्लिट पर जाना है एंड इसको आगे कर देना है। अब आपको फिर से क्लिक करके ट्रिम पर स्प्लिट पर एंड आगे आपको सिलेक्ट कर देना है यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर। अब आगे आते हैं एंड यहाँ से स्क्रॉल करके स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गैप है तो स्क्रॉल करेंगे ट्रिम एंड स्प्लिट। अब यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देते हैं ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आगे ये रहा एक गैप और तो स्क्रॉल करेंगे ट्रिम एंड स्प्लिट। अब इसको भी यहाँ पर कर देते हैं एंड स्क्रॉल करेंगे आगे ये रहा देखिए यहाँ पर जाते हैं एंड ट्रिम एंड स्प्लिट। अब यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक गैप और है तो यहाँ पर करेंगे ट्रिम एंड स्प्लिट एंड स्क्रॉल करेंगे इसको एंड आगे जाके फिर से ट्रिम एंड स्प्लिट। अब इसको लॉन्ग प्रेस करके आगे करके फिर से जाते हैं एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर करते हैं ट्रिम एंड स्प्लिट यहाँ पर आगे कर देते हैं स्क्रॉल। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर रहते हैं इसको देखिए यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देते हैं एंड यहाँ पर देखिए अब लास्ट वाला जो यहाँ पर हमारा है इसको स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको यहाँ पर। हमारा वीडियो एंड हो गया तो यहाँ से जो बाकी की AI वॉइस है उसको कट कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए
आपको सबसे पहले इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कैसे करना है तो देखिए, आपको ऑडियो पर जाना है एंड इसके बाद देखिए, मैंने तो अपने टेलीग्राम चैनल पर बैकग्राउंड म्यूजिक अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फटाफट बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ये देखिए, यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है इसको आपको कर देना है बिल्कुल 20 या फिर 17-18 कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐड करना होगा कैप्शन वगैरह, तो आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है एंड जाना है बैकग्राउंड पर और येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको सबसे पहले इसको छोटा कर लेना है इस तरीके से एंड यहाँ पर आपको ये देखिए, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर लेयर को एंड इसको बड़ा करके आप देखिए, सबसे पहले इसका साइज बड़ा करेंगे एंड यहाँ पर ऊपर की साइड पर इसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंड यहाँ पर अब हमें एक टेक्स्ट लिखना होगा, तो यहाँ पर जाते हैं लेयर पर एंड टेक्स्ट पर एंड यहाँ से एक टेक्स्ट लिखना होगा क्लिकबेट, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर दुबई में क्लाउड सीडिंग, यहाँ पर देखिए दुबई में बाढ़ लिख देते हैं, दुबई में बाढ़ लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए अच्छे से लिखाया नहीं है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दुबई में यहाँ पर बाढ़ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो अब यहाँ पर हम सिंपल से ओके कर देते हैं एंड ओके करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए इसको ओके करते हैं। अब इसके बाद आपको ए पर जाना है एंड यहाँ पर अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट करके कलर पर जाकर इसको रेड कर देना है। अब इसका साइज आपको बड़ा करना है थोड़ा सा एंड यहाँ पर ऊपर कुछ इस तरह कैप्शन बना देना है, ये देखिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर आना है एंड इसका स्क्रॉल कर देना है साइज, आपको यहाँ पर देखिए इसका आपको जो लेयर है उसको बढ़ा देना है बिल्कुल एंड तक। अब आप वीडियो बंद कर लीजिए, बस आपको इसमें थोड़ा सा अपना वाटर मार्क दे देना है। इसके लिए आपको दोबारा से इसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इसको लाना है एंड ए पर जाना है, यहाँ पर देखिए ऊपर इसके ए के ऊपर यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है जिसका आप वाटर मार्क देना चाहते हो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर मार्क, यहाँ पर देखिए कुछ भी आपके चैनल का नाम हो वो लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करके यहाँ पर सबसे पहले तो इसके कलर को वाइट करना है एंड यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देता है यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का, इसको कम कर देना है यहाँ पर इतना, देख सकते हो यहाँ पर आपका वाटर मार्क ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे वीडियो बना सकते हो, अब सिंपल से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से। अयूब दोस्तों आपको सबको समझ आया होगा, फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो एंड कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की तुरंत पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इस नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।